दुनिया भर के देश करीब दो साल से कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे हैं। कोरोना के सबसे पहला केस चीन के वुहान शहर में मिला था। अमेरिका समेत कई देश चीन से कोरोना वायरस फैलने का आरोप लगा चुके हैं, इसके कई सबूत भी हैं, लेकिन चीन लगातार इन आरोपों से इनकार करता आया है। अब चीन दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने की बदनामी से बचने के लिए नया पैंतरा चल रहा है। चीन में सैकड़ों अकाउंट के जरिए ये थ्योरी आगे बढ़ाई जा रही है कि ब्राजील के बीप, सऊदी अरब के झींगा और अमेरिका के नैने के लॉबस्टर कोरोना के प्रसार के लिए जिम्मेदार है। वैश्विक थिंक टैंक पॉलिसी रिसर्च ग्रुप के लिए दुष्प्रचार को लेकर रिसर्च करने वाले मार्सेल श्रीलिपिस ने चीन के एजेंडे के समर्थक सैकड़ों खातों की स्टडी की है। उन्होंने कहा है कि चीन एजेंडे के समर्थकों सैकड़ों खातों की पहचान की है जो कोरोना वायरस के प्रसार का कारण के लिए निर्यात किए गए हैं। ठंडे मांस की थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल थिंक टैंक के मुताबिक श्रीलिप्स ने करीब 18 महीनों तक चीन समर्थक अकाउंटों का आश्वासन दिया है और पाया कि कोलकाता स्थित कंसुलेट में कार्यरत एक चीनी राजदूत की तरफ से लॉबस्टर या पोर्क वाली थ्योरी को शेयर करना शुरू किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक झा लियो ने नवंबर 2019 में ये थ्योरी पोस्ट की थी और अब ये तेजी से फैल गई है। हालांकि लॉबस्टर सप्लायर और मेन स्थित सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल दोनों की तरफ से इन दावों को स्पष्ट रूप से खारिज कर चुका है, लेकिन चीन पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। पिछले कुछ दिनों में रूस, ब्रिटेन, चीन, सिंगापुर, यूक्रेन और पूर्वी यूरोप सहित कई अन्य देशों में कोरोना वायरस के मामले में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सबसे अधिक कोरोना वायरस के मामले ब्रिटेन और रूस से सामने आए हैं। ब्रिटेन में 17 जुलाई के बाद से पहली बार 50,000 से अधिक कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट घातक साबित हुआ है, लेकिन अब डेल्टा के ई सब लाइनेज AY.4.2 के मामले वर्तमान में तेजी से बढ़ रहे हैं। यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।